कपड़े की क्या बात कर रहे हो, हम उसमें मेहरबानी कर रहे हैं, हम उन्हें कपड़े पहनाने के पैसे दे रहे हैं। काफी समय के बाद मेरा एक अच्छा वीडियो आ रहा है, कम बैक आई कैन से दैट। यस डेफिनेटली, राखी का वो वाला रूप तो आपने देखा ही है, बुढ़ा मिल गया एंड अब ये एक अलग अवतार आप देखेंगे एंड इट विल बी 100% अप्रिशिएट। मैसेज आया था कि सनी को टक्कर देने वाले हो ये हमारे प्रोड्यूसर साहब बोलेंगे। कहाँ सनी लियोनी, कहाँ राखी सावंत। मैंने आपसे पहले भी कहा राखी सावंत इज ए गुड डांसर ऑफ इंडिया, व्हाई डू नॉट अंडरस्टैंड। सनी लियोनी कहीं है ही नहीं। और सनी लियोनी की क्या बात कर रहे हो, हम उसमें मेहरबानी कर रहे हैं, हम उन्हें कपड़े पहनाने के पैसे दे रहे हैं। सो ये हम समाज सेवा कर रहे हैं इंडिया वाले, आप समझ रहे हो, आपको समझ में आना चाहिए ये कितनी बड़ी समाज सेवा है, यू नो, इससे बढ़कर क्या हो सकता है। और बात, प्लीज डोंट कंपेयर मी विद सनी लियोनी बिकॉज आई हैव अचीव्ड डांस करके, परफॉर्म करके, रियलिटी शो करके हिंदुस्तान के लोगों का दिल जीता है। मैंने कोई पॉर्न फिल्म नहीं करी है या कुछ ऐसा नहीं करा है जिसे यू कैन अंडरस्टैंड, बट येस आई एम अ ग्लैमरस, आई एम वेरी मच अपफ्रंट और मुझे लगता है कि यू कैन कंपेयर मी विद जेनिफर लोपेज, मैडोना, यू नो, इंटरनेशनल ऑल सिंगर्स। ऐसा आपने क्या मेरे में देख लिया जो आप मुझे सनी लियोनी के साथ कंपेयर कर रहे हैं? यूट्यूब पे कुछ देखा आपने? वो भी एक्सप्लोसिव में कह रहे हैं कि एसएमएस आया था, एसएमएस लिखा गया था कि सनी लियोन को कंपेयर करने वाले हैं, टक्कर देने वाले हैं राखी सावंत। सनी लियोन बोला या सनी देओल बोला था? डेफिनेटली आई डोंट थिंक सो, ओके आई हैव अ कंपैरिजन विद हर। इस बात का मैं जवाब जी हमारे प्रोड्यूसर साहब बोलेंगे। सनी लियोनी को आप भारत के किसी गाँव में चले जाइए, वहाँ कोई नहीं जानता सनी लियोनी, लेकिन किसी गांव में ढानी में जाके पूछ लीजिए कि राखी सावंत, हर बच्चा बच्चा जानता है। बिल्कुल, थैंक यू सर। तो कोई कंपेयर नहीं है सनी लियोनी राखी को, कोई नो कंपैरिजन। देखिए मैं अपनी तारीफ डेफिनेटली नहीं करना चाहूंगी, ये मेरी जनता तारीफ करेगी कि एज अ डांसर, एज अ परफॉर्मर, एज अ एंटरटेनर मैं बहुत खुश हूँ कि पॉलिटिक्स छोड़कर मैं फिर से अपनी फिल्म इंडस्ट्री में आई हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है। आई एम बैक टू माय वर्ल्ड बिकॉज डांस इज माय पैशन। और अवध जी ने ये वीडियो प्रोड्यूस किया है, ये हमारे बॉस हैं, मैं बहुत खुश हूँ और थैंक यू सो मच, हम आपने हमारे लिए वीडियो किया है, डीजे शेजवुड ने म्यूजिक दिया है। हाँ डेफिनेटली बहुत जल्द मैं आपको थोड़ा एक और डिफरेंस मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सनी लियोनी की जो सस्टेनेबिलिटी है अभी आप 2 साल से ही देख रहे हैं, राखी सावंत वो है जो आप पिछले 14 साल से लगातार वीडियो एल्बम्स, फिल्म्स और बड़े बड़े मेकर्स, बैनर्स, हर जगह इसने अपने आप को प्रूव किया है। तो देयर इज नो कंपैरिजन आई थिंक बिटवीन सनी लियोनी एंड राखी सावंत। या कुछ और कंपेयर करना चाह रहे हो तो वो बात अलग है। अच्छा, अगर आप सीधी बात में अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं सनी लियोनी को भगाना चाहती हूँ यहाँ से, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इंडिया से मैं भगाना चाहती हूँ। नहीं नहीं, मैं बहुत सिलेक्टेड हूँ, मैंने कहा मैं आई वॉज इन जैसे पूरा टोटली बीजेपी को हेल्प कर रही थी मैं एंड पॉलिटिक्स में थी, तो आई एम बैक। चुनाव खत्म हो गए, मोदी जी पीएम बन गए, मैं अपने रास्ते, वो अपने रास्ते, तो मेरा रास्ता तो जाता है फिल्म इंडस्ट्री की तरफ और मैं बहुत खुश हूँ कि आई एम बैक टू माय वर्ल्ड और इस अच्छे अच्छे गाने अभी करूँगी मैं, आप देखिएगा। मैं क्रिकेट की फ़ैन हूँ, उससे ज़्यादा मैं क्रिकेटरों की फ़ैन हूँ जी, एक ही तो है। अब मेरा मुंह अभी क्यों खुलवा रहे हो? अभी तो मुंह काला करवा दिया उन्होंने। विराट,
आई लाइक हिम यू नो दैट है ना। आप गए थे कहाँ? मुझे तो नहीं पता, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। लेट्स टॉक अबाउट माई वीडियो। ये जिमी जी हैं, हमारे वीडियो के हीरो हैं, मिशा हैं, अवध जी हैं, और बहुत मज़ा आ रहा है। और मुझे अपने शौतन के बारे में कोई बात नहीं करनी है। मैं पॉलिटिक्स बिल्कुल छोड़ चुकी हूँ और मैं फिल्म इंडस्ट्री में आ गई हूँ। अब मैं यहाँ पे धमाका करूँगी और सनी लियोनी की फ्लाइट की टिकट उसके हाथ में दूंगी, वो जहाँ से आई थी उसे भेजने के लिए। थैंक यू सो मच, प्लीज़ वॉच माई डांस।